देखिए एक और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है। 22 जनवरी का इंतजार पूरे देश को है जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां एक और दूसरी ओर सियासत भी लगातार साथ साथ चल रही है। भगवान राम के नाम को लेकर तो सियासत लगातार होती रही है, लेकिन अब भगवान हनुमान के नाम को लेकर भी सियासत जोरों पर है। कैसे सियासी बयानबाजियां लगातार हो रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 4:30 बजे की चार बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं वो जरा जल्दी से आपको हम बता दें। पहली खबर है केजरीवाल की हनुमान भक्ति जो दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी हनुमान भरोसे अब नजर आ रही है। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा रही है और साथ ही सुंदरकांड के पाठ का हिस्सा बनते हुए केजरीवाल दिखाई दिए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, और उन्होंने जो राम भक्ति है केजरीवाल की, जो हनुमान भक्ति है केजरीवाल की, उस पर निशाना साधा है और कहा कि आम आदमी पार्टी कैसे अलग हो जाती है बीजेपी आरएसएस से, इसका जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी को। ये असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही। और साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर है वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई। उन्होंने एक पोस्ट किया अयोध्या को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने याद किया है राजीव गांधी को भी। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विरोध नहीं किया राम मंदिर के निर्माण का, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने ये कहा था कि न्यायालय के फैसले का इंतजार सभी को करना चाहिए। इसके अलावा चौथी जो अहम खबर है आज की वो खबर ये, अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है उसका शुभारंभ हो चला है। 10 विधि स्नान के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। और इन तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए मेरे दोस्त साथी मेरे साथ जुड़ेंगे अयोध्या से, रविकांत मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही अंकित गुप्ता मेरे साथ होंगे जो विस्तार से बात करेंगे और सियासी मायने बताएंगे किस तरीके से सियासत लगातार भगवान राम को लेकर और हनुमान को लेकर हो रही है। लेकिन उससे पहले 22 जनवरी को लेकर इंडिया अलायंस की जो अपनी प्लानिंग है उसको लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास है, उससे आपको रूबरू करवा दूं। दरअसल ममता बनर्जी, ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को मां काली की पूजा करेंगी, ऐसी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 22 जनवरी को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी, आप देखें ममता बनर्जी मां काली की पूजा करेंगे उस दिन 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा। और साथ ही साथ इसके अलावा कोलकाता में TMC तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म रैली भी निकालेगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे। और राहुल गांधी भी 22 जनवरी को कहा जा रहा है कि शिव मंदिर में जा सकते हैं, केजरीवाल तो सुंदरकांड का पाठ करवा ही रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी क्या है, इसके मायने क्या, ये समझाने के लिए और समझने के लिए मेरे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जैनेन्द्र, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम चल रहा होगा, तमाम अनुष्ठान हो रहे होंगे अयोध्या में, उस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी जो है वो मां काली की पूजा कर सकती हैं और साथ ही TMC एक सर्वधर्म रैली भी निकाल सकती हैं। राहुल गांधी को लेकर भी जानकारी ये आ रही है कि शिव मंदिर राहुल गांधी जा सकते हैं, जरा समझाइए सियासी मायने इस खबर के। जैनेन्द्र, बिल्कुल आपने ठीक दर्शकों को बताया है, 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी अयोध्या में, ममता बनर्जी कोलकाता में काली मंदिर में पूजा करेंगी और इसके बाद TMC के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ वो एक सर्वधर्म रैली भी करेंगी पार्क सर्कस मैदान में। और इससे पहले मंदिर में पूजा और रैली के बीच में एक पदयात्रा होगी हाजरा से लेकर के पार्क सर्कस मैदान तक, इस दौरान अन्य मंदिर और मस्जिदों में भी ममता बनर्जी जाएंगी। राहुल गांधी के बारे में ये बताया जा रहा है कि 22 तारीख को वो गुवाहाटी में शिव मंदिर जा सकते हैं और संभवतः कामाख्या मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और केजरीवाल तो करवा रहे हैं दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ। साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी के राम बाण से बचने के लिए ये इंडिया गठबंधन के नेताओं की अपनी अपनी कवायद है। हालांकि कोई इंडिया गठबंधन की कोई साझी रणनीति नहीं है, लेकिन साफ तौर पर जो अलग अलग नेता हैं वो सभी उस दिन जिस तरीके से धार्मिक कार्यकलापों में नजर आएंगे, सीधे ये लग रहा है कि जो बीजेपी जो धर्म के नाम पर जो फायदा बटोरने की कोशिश करने की, बीजेपी ने जिस तरीके से भगवान राम के नाम का विरोध कर रही है इंडिया अलायंस, इस बात का जिक्र किया। जी जी जैनेन्द्र, बीजेपी ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस को घेरा ये कहकर कि भगवान राम के नाम का विरोध कर रही है ये इंडिया अलायंस, उसके बाद अब किस तरीके से अलायंस की अपनी तैयारी दिखाई दे रही है, इसी पर विस्तार से जानकारी आपने दी, शुक्रिया आपका जैनेन्द्र पूरी जानकारी के लिए।
बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी आज से सुंदरकांड का पाठ करवा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए अपनी पत्नी के साथ में, और उन्होंने भी सुंदरकांड के पाठ में हिस्सा लिया। और जानकारी ये सामने आ रही है कि 2600 जगहों पर दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी जो है वो हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। ये बड़ी जानकारी आम आदमी पार्टी को लेकर है, और साथ ही हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल आज रोहिणी में शामिल हुए, ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब सुंदरकांड के पाठ में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, और आज के बाद से शुरुआत हो गई है। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जो सुंदरकांड का पाठ करवाएगी आज के बाद से आम आदमी पार्टी, वहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। अब मेरे दो सहयोगी इसी पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, रविकांत अयोध्या से, अंकित गुप्ता भी अयोध्या से मेरे साथ, क्योंकि यहीं पर पूरा देखिए सियासत का केंद्र भी अयोध्या ही इस वक्त है। अयोध्या को लेकर ही दिल्ली में भी सियासत लगातार हो रही है। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, जरा बताइए आम आदमी पार्टी के बारे में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडर जो है वो अरविंद केजरीवाल को भगवान हनुमान का, भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं। राघव चड्ढा ने भी वो बात कही, और साथ ही सौरभ भारद्वाज ने भी वो बात कही। जो सुंदरकांड का पाठ करवा रही है आम आदमी पार्टी, इसके क्या है सियासी मायने? रविकांत, देखिए आम आदमी पार्टी जो करा रही है उसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो महत्वपूर्ण है। बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार हमारी ट्रैक पर आ रहे हैं। बीजेपी ने जो ट्रैक बिछाया है उसी पर केजरीवाल भी चल रहे हैं, उसी पर राहुल गांधी भी, और उसी पर ममता बनर्जी भी। इस समय हम अयोध्या में हैं और अयोध्या के संत हमारे साथ हैं। इनकी अगर प्रतिक्रिया न ली जाए तो बेमानी होगा। इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके मन में है राजनीति को लेकर के, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बेहतर राजनीति शुरू हुई है? नहीं, सुंदरकांड का पाठ तो सब जगह होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज 33 कोटि देवी देवता आज अयोध्या में राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहां चल आवई। वो अभी पूरा हिंदुस्तान के मंदिर खाली हो चुके हैं देवी देवताओं से, वो सारे देवी देवता यहाँ पर आ गए हैं। वो सदन सुमंगल तबई हो जब राम बने युवराज, क्योंकि उस समय भी राम जी वनवास को चले गए थे। आपका कहना है कि सब देवी देवता यहाँ हैं तो सब लोग अयोध्या ही आए? जिस तरीके से काली की पूजा करने जा रही हैं ममता बनर्जी, राहुल गांधी कामाख्या का दर्शन करेंगे, केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, आप लोग प्रसन्न हैं? प्रसन्नता तो नहीं कही जाएगी, लेकिन यह है कि अच्छी शुरुआत है उनके लिए। प्रसन्नता हम लोग अवधवासी हैं, वो सब बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, तो हमारी मतलब सलाह भी है समस्त अवधवासियों के तरफ से कि अगर अयोध्या जी से जुड़ करके रहते तो और अति प्रसन्नता हो। क्या कहेंगे आप लोग? ये जो भी शुरुआत किए हैं, ये है कि उनका जो भी गलत काम किए उसके प्रायश्चित के रूप में वो कुछ भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन निमंत्रण पा करके अयोध्या में ना आना वो बहुत दुखद है। कि आप लोग अयोध्या वासी हैं, क्या कहेंगे इस राजनीति? जय श्री राम। और अयोध्या में बहुत अच्छी शुरुआत उन लोगों ने की है, इसीलिए अयोध्या में अयोध्या से और श्री राम। लोग क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपको दर्शक को आपको धन्यवाद, जो अयोध्या में आकर अयोध्या की इस दिव्य और अद्भुत दृश्य को आप दिखा रहे हैं पूरे देश में, और विपक्षियों को हम ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। रविकांत, देखिए जो भगवान राम के भक्त हैं, जो अवधवासी हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो अभी कम से कम कुछ करती भी दिखाई तो दे रही है इंडिया, गठबंधन दे रहा है, दुरुस्त आई, ये भक्तों का कहना, लेकिन अब इस पर राजनीति लगातार हो रही है। अंकित गुप्ता मेरे साथ लगातार बने, वो भी अयोध्या में ही मौजूद है। अंकित, आप बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया है ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को इस पूरे ही मामले को लेकर, अब इंडिया अलायंस, चूंकि कांग्रेस ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से ये यू टर्न है अरविंद केजरीवाल का या फिर आम आदमी पार्टी का, इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी पर। जो सियासत इसको लेकर अब हो रही है उस पर जरा जानकारी दीजिए विस्तार से।
देखिए दीपा, अगर हम इसको दो हिस्सों में देख सकते हैं, पहला जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो कहा है, और दूसरा जो ओवैसी का जो बयान आया है या कांग्रेस का बयान आया है। पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो हनुमान चालीसा की बात कही है, तो अरविंद केजरीवाल की ये जो रणनीति है ये कोई पहली बार नहीं सामने आई है। 2020 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह घूम करके हनुमान मंदिर में जा जा करके इसी तरीके से पूजा अर्चना की थी, हनुमान चालीसा सुनाई थी। खुद एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने हनुमान चालीसा गाकर सुनाई थी और यही कहा था कि मैं तो परम भक्त हूँ प्रभु श्री राम के, परम भक्त हनुमान जी का, और मैं तो उनकी हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ लेकिन मैं उसको दिखाता नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने उस दौरान गा गा करके जो कैमरे पर आ करके मंदिर जा जा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया था। अब बात करते हैं ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति की, तो जो इसको कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ओवैसी हो या कांग्रेस हो, उसको जो एक तरह से ओवैसी ने तो यहां तक कि बी टीम करार दे दिया है बीजेपी की। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ ओवैसी के ऊपर वही आरोप रखते हैं विपक्ष की तरफ से कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी अरविंद केजरीवाल को उसी तरीके से बी टीम के तौर पर करार दे रहे हैं, तो बहुत गजब की राजनीति चल रही है। और इस सबके बीच में कांग्रेस तो उसके साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ में इंडिया गठबंधन में जो एक तरीके से रणनीति पर चर्चा कर रही है कि कैसे साथ में चुनाव लड़ा जाए, वही कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। तो हर कोई कर क्या रहा है, अपने अपने तरीके से ये जाहिर कर रहा है कि वो उनकी भी ईश्वर में आस्था है और वो भी अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से भगवान राम को लेकर भी और हनुमान को लेकर भी अब किस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, सियासी रोटियां सेक रहे हैं, वो साफ तौर से समझ में भी आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी का भी टीम बता दिया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि आखिर वो बीजेपी और आरएसएस से अलग कैसे है। जरा सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी। आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है, आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले जाऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन अब ओवैसी के बयान पर आम आदमी पार्टी का भी पलटवार सामने आ गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर सुंदर कांड का पाठ हो, आखिर इससे दिक्कत किसी को क्यों होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि आखिर सुंदर कांड के पाठ से किसी को क्या दिक्कत है, हम सभी का स्वागत करते हैं। ये सौरभ भारद्वाज ने बात कही है और साथ ही जो भी आयोजन में आए उन सब का स्वागत है, ये कहा है सौरभ भारद्वाज ने। सुनवाते हैं आपको। मुझे लगता है सुंदर कांड इतना अच्छा कार्यक्रम है कि इसके ऊपर किसी विपक्षी दल को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका, वो आज करा ले, कल करा लें, परसों करा लें, वो भी सुंदरकांड करा लें। तो सुना आपने, दोनों की बातें आपने सुनी। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद जो है सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, वो बात भी आपने सुनी। अब आइए सीधे एक बार फिर से रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, देखिए पहले तो कांग्रेस पार्टी को घेरा गया क्योंकि इंडिया गठबंधन को ही निशाने पर लिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर ये कहा गया कि दूरी बनाई है, भगवान राम के नाम से दूरी है, ये कहकर के बीजेपी ने घेरने की कोशिश की। लेकिन अब जो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है उससे ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि भगवान राम का और हनुमान का नाम लेना कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों की मजबूरी भी हो गई है, जो अभी तक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। निश्चित रूप से जिस तरीके से अलग अलग विपक्षी पार्टियां भी अब ट्रैक पर इस तरीके से आ रही हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करा रही हैं, सुंदर कांड हो रहा है, कामाख्या जाने की बात हो रही है, तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बीजेपी ने जो राजनीति शुरू की थी उसी राजनीति पर अब बाकी पार्टियां भी आ रही हैं। यानी वैचारिक विचारधारा को लेकर के जो पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही थी, अब विचारधारा पीछे हो गई है और एक विचारधारा आगे हो गई है, वो है बीजेपी की विचारधारा। और जब पूरे देश में इस समय मोदी मोदी का नारा लग रहा है,
उस दौरान जो बाकी पार्टियां हैं वो फॉलो करने का काम कर रही है, ठीक है, और फॉलो हमेशा पीछे से होता है। जो दूरी बनाते हुए नजर आ रही थी पार्टियां, अब वो भगवान राम के नाम का जिक्र भी कर रहे हैं, भगवान हनुमान के नाम का जिक्र भी कर रहे हैं और सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना इस बात को लेकर साधा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ ठेकेदार नहीं बन सकती है भगवान राम की, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं, सबके मन में राम बसते हैं।